कोहिनूर जो मुंब्रा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है। लाया है मुंब्रा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा। स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुंब्रा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश भर में अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसके बाद से अलग अलग जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन मुंब्रा में भी 5 से 6 बाइक पर एमएम वाली रोड पर कुछ जो है शोभा यात्रा कहे या फिर कहे पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली उसके अनुसार बताया जा रहा है कि कुछ लोग यात्रा निकाल रहे थे, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच में एमएम वाली रोड पर जो है टकराव हो गया। यहां से झड़प की भी खबरें सामने आई है और मौके पर मुंब्रा पुलिस भी वहाँ पर पहुँची और किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। सोशल मीडिया में इसकी एक वीडियो भी सामने आई है जो मुंब्रा के एमएम वाली की बताई जा रही है। देश भर में हिंदू समुदाय के तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और कई जगह से अब तक झड़प की खबरें भी सामने आई है, लेकिन मुंब्रा शहर में भी कल शाम के वक्त बताया जा रहा है कि दहिसर मोरी परिसर के कुछ युवक थे जो बाइक पर अवैध तरीके से, जो पुलिस ने जानकारी दी है मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI है NV कुलहटकर, उन्होंने बताया कि बिना परमिशन के ये कुछ लोग थे जो रैली निकाले थे। ये दहिसर मोरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये शिमला पार्क से होते हुए मुंब्रा के MM वाली रोड पर गए थे और यहाँ पर घोषणाबाजी यानी कि नारेबाजी की जा रही थी, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच में यहाँ पर टकराव हो गया और मामला जो है काफ़ी बढ़ गया। मौके पर पहुँची पुलिस ने यहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI हैं NV कुलहटकर, इन्होंने जो जानकारी दी है, जानकारी के अनुसार जो इलीगल तरीके से अवैध तरीके से रैली निकाले और घोषणाबाजी किए MM वाली रोड पर, उसके बाद विवाद हुआ तो जो रैली निकाले थे इनमें से जो 8 युवक हैं बताए जा रहे हैं, इसमें से 7 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक युवक इसमें नाबालिग बताया जा रहा है जो दहिसर मोरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है उनमें से करीब 7 से 8 लोग हैं और ये अभी सब के सब फरार बताए जा रहे हैं। इनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस ने बताया है कि नहीं हो पाई है, उनके जो है सर्च किया जा रहा है, उनकी तलाश पुलिस के तरफ से जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंब्रा में कल शाम के वक्त ये जिस तरह से घटना सामने आई, इसको लेकर शहर में एक हलचल तेज़ हुई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मुंब्रा शहर का माहौल जो है वो काफ़ी शांतपूर्ण है और किसी भी तरह का जो है लोगों को पुलिस की तरफ से ये भी आह्वान किया गया है कि किसी भी अफवाह पर ऐसा ध्यान ना दें, अगर आपको कुछ भी मामला ऐसे सामने आते हैं तो वो पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। हालांकि मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI ने जानकारी देते हुए बताया कि जो मुंब्रा के MM वाली पर रोड पर यह मामला सामने आया है, इसमें दोनों पक्षों पर के खिलाफ जो है IPC की अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज किया गया है। ये अलग बात है कि जो यात्रा में निकाली गई थी उनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक नाबालिग है और इसके अलावा 5 बाइक जो है पुलिस ने जब्त किया है, जबकि जो दूसरा पक्ष है वो उसमें से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अब उनका सर्च ऑपरेशन जारी है और उनकी तलाश जारी है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।